मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, नया जिला गठन के लिए उप स्तरीय समिति का गठन। पूर्व आईएएस राम लुभाया को बनाया उप समिति का अध्यक्ष। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बड़ा फैसला और नए जिलों के गठन के लिए उप स्तरीय समिति का गठन किया। पूर्व आईएएस राम लुभाया को उप समिति का अध्यक्ष बनाया है। तो ये उप स्तरीय समिति का गठन किया गया है नए जिलों के गठन के लिए, और इसके लिए मुख्यमंत्री ने पहले कहा भी कि समिति गठित की जाएगी और उस स्तर पर फैसले लिए जाएंगे और उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो अभी नए जिलों के गठन के लिए उप स्तरीय समिति का गठन किया गया है। पूर्व आईएएस राम लुभाया को उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो कई ऐसे जगह जिनको जिला घोषित किया जाना है, लेकिन उसको लेकर एक समिति का गठन किया गया है कि कौन कौन से जिले घोषित किए जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें जिला घोषित किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए भी एक एरिया होता है जनसंख्या के हिसाब से। इस तरह से देख के ये गठन किया जा जिले की घोषणा की जाती है। और अब क्योंकि नए जिलों की घोषणा करनी है, उससे पहले नए जिलों के गठन के लिए उप स्तरीय समिति का गठन किया गया है और पूर्व आईएएस राम लुभाया को उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो यानी समिति तो बन गई है और उस समिति का अध्यक्ष पूर्व आईएएस राम लुभाया को बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बड़ा फैसला सामने आया है और नए जिलों के गठन के लिए उप स्तरीय। हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेश, नए जिलों के गठन के लिए समिति का गठन और पूर्व आईएएस राम लुभाया को उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, अब ये समिति किस तरह से कार्य करेगी? बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है नए जिलों के गठन का। लगातार नए जिलों के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही है और उससे प्रतापगढ़ जिला बना, उसके बाद कोई नया जिला नहीं बना है। आपको ध्यान होगा विधानसभा में भी कई बार जो मुद्दा उठा है, खासकर बालोतरा की अगर हम बात करें तो उसकी मांग के लिए एक विधायक जो है मदन प्रजापत, उन्होंने तो जो है वो नंगे पांव चलना शुरू कर दिया है। इसके अलावा प्यावर को लेके, कोतपुतली, नीम का थाना, इनको लेके लगातार मांग रही है। तो मुख्यमंत्री ने अभी जब बजट पेश किया था तब उन्होंने घोषणा की थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी उच्च स्तरीय जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के अनुशंसा के आधार पर फिर जिलों के गठन का फैसला किया जाएगा। तो अब जो रिटायर्ड जो आईएएस है राम लुभाया, जिनका बड़ा नाम रहा है, उनके अध्यक्षता में बड़ी कमेटी बनाई है जिसमें विभिन्न सचिव है नामित किया गया है। तो ये कमेटी उन जहां जहां से मांग आई है उनका पूरा अध्ययन करेगी, साथ में विधायकों से राय लेगी, जनप्रतिनिधियों से राय लेगी और कहां पे संभावनाएं हैं, किन को नया जिला बनाया जा सकता है, उनको लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। और उम्मीद है इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 या 3 जिले गठित करने का फैसला कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जानकारी के लिए।